निदा बड़े शहर में रहने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। अपने पसंद का रूम लेने के लिए उसने सारा घर देख डाला। फिर वो एक रूम में पहुंची। उस रूम में जाकर इसको कुछ महसूस हुआ, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी देखकर उसने ये रूम चूज़ कर लिया। निदा को यहाँ रहते पूरा एक महीना गुजर चुका था। एक रात उसके भाई और पापा को एक इवेंट में जाना पड़ा। निदा के एग्ज़ाम थे, इस वजह से निदा और उसकी अम्मी घर पर रुक गई। निदा को खामोशी में पढ़ने की आदत थी, इसलिए निदा अपने रूम की खिड़की के साथ पड़ी हुई स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने लग गई कि अचानक उसके टेबल पर पड़ा हुआ कॉफ़ी मग नीचे ज़ोर से गिर गया। निदा को ऐसे लगा कि किसी ने इस मग को उठाकर नीचे ज़मीन पर फेंका है। उस रात निदा ज़्यादा पढ़ नहीं पाई और सो गई। अगली रात जब निदा पढ़ रही थी, तब उसे ऐसा लगा कि उसके दरवाजे के बाहर कोई भाग रहा है। फिर उसने लगा कि शायद उसका छोटा भाई हो जो बाहर भाग रहा है, लेकिन उसको याद आया कि भाई और पापा तो इस शहर में नहीं है। निदा घबरा गई और अपनी खिड़की के बाहर देखने लगी। वहाँ उसको एक काली परछाई दिखाई दी जो पाइप से नीचे उतर रही थी। निदा ये देखकर बहुत घबरा गई और सोने चली गई। अगली सुबह उसने ये सारा वाक्या अपनी माँ को बताया। उसकी माँ को लगा कि निदा का वहम है और निदा से कहने लगी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि रात को सो जाया कर, सुबह टाइम पढ़ा कर। निदा को भी लगा कि माँ ठीक कह रही है, इसलिए उसने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया ताकि रात को नहीं बल्कि सुबह को पढ़े। उसने अलार्म लगाया और सो गई, लेकिन रात के 1 बजते अलार्म ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। निदा की आँख खुली, टाइम देखकर उसके पसीने छूट गए। घबरा कर उठी, उसने कमरे की सारी लाइट्स ऑन की। लाइट तो ऑन हो गई, लेकिन लाइट बहुत डिम थी। उसे खिड़की के बाहर किसी की भागने की आवाज़ सुनाई दी। हिम्मत करके निदा खिड़की के बाहर देखने लगी। खिड़की के बाहर वही परछाई जो उसे पहले दिखाई दी थी, अब पाइप के ऊपर जा रही थी और धीरे धीरे उसकी खिड़की की तरफ। निदा भाग गई और जैसे ही पीछे मुड़ी तो एक काली परछाई जो उसके रूम के जो पंखे से लटकी हुई थी, परछाई निदा की तरफ घूर घूर कर देख रही थी। निदा के पीछे जो काली परछाई पाइप से ऊपर आ रही थी, अब खिड़की के पास आ गई थी और खिड़की को ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी। और काली परछाई निदा के पास आकर उसको डराने लगी, जिसकी वजह से निदा के मुंह से बहुत चीखें निकलने लगी और वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी, जिसको सुनकर उसकी माँ और आस पड़ोस के सारे लोग उस रूम की तरफ आ गए। रूम में आकर देखा तो रूम की सारी लाइट्स ऑन थी और निदा एक कोने में बैठकर रो रही थी। निदा ने सबको अपने साथ होने वाले वाक्या के बारे में बताया। ये सुनकर उनके पड़ोस की एक औरत ने इन्हें बताया कि ये परछाई बहुत से लोगों ने देखी है, कभी पाइप पर और कभी गार्डन पर। कुछ साल पहले एक 7 वाले फ्लैट में एक आदमी रहने आया था जिसको शराब पीने की बहुत आदत थी और कुछ दिन बाद वो अपने रूम में मरा हुआ पाया गया। उसके बाद 2 बैचलर्स भी यहाँ मारे पाए गए। उस दिन से निदा बुखार में मुबतला रही, लेकिन अपने पापा और छोटे भाई के आ जाने से ठीक हो गई। इन सब ने घर में पढ़ाई करवाई। उसके बाद निदा को उस जैसी साया नहीं दिखाई दिया, लेकिन निदा अब उस कमरे में कभी नहीं सोती और उसको ये ख्याल हमेशा डराते हैं।